गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, मैं आप लोग को ये सूरज का गोला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। इस सूरज का गोला इससे पहले ही कि निकलता चुपके से बोला, हमसे तुमसे इससे उससे कितनी चीज़ों से, चिड़ियों से, पत्तों से, फूलों फलों से, बीजों से, मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से। मीन्स सूरज का गोला बोलता है अपने निकलने के पहले ही, वो हमें संदेश देता है धीरे से, हमें देता है, तुम्हें देता है, मम्मी पापा को देता है, चिड़ियों को, पत्तों को, फूलों फलों को, सबको बोलता है कि घने अंधेरे से निकलो। कब जागोगे अगर न जागे मेरे टेरे से, अगर अब भी तुम मेरे बुलाने पे नहीं जागोगे तो कब जागोगे मेरे बुलाने पे। आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, सूरज के बुलाने पे आसमान ने अपना दरवाज़ा खोल दिया। इसके पहले ही कि निकलता सूरज का गोला, सूरज का गोला निकलता उसके पहले ही आसमान ने अपना दरवाज़ा खोल दिया। फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हुई, पंछी चहके कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटकी। पंछी चहकने लगे, कलियां फूलने लगीं, खिलने लगीं, चमगादड़ जो रात भर काम कर रहे थे वो लटक गए आके अपने अपने पेड़ों पे। गाँव गाँव में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। गांव गली में सभी जग गए तो शोर मच गया, जंगल में मोर नाचने लगा खुशी से रोशनी देख के। जितनी फैली खुशियां उससे किरणें ज़्यादा फैली, ज़्यादा रंग घोला। सभी गांव में सभी लोग जग गए, खुशियां फैल गई, नए नए संदेशे आने लगे सभी के घर, उससे ज़्यादा किरणें फैल गईं। किरणें में सूरज की किरणें ज़्यादा और फैल गईं और ज़्यादा रंग घोला, मीन्स नारंगी रंग से उसका रंग पीला रंग हो गया। और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला, सूरज का गोला जो पेड़ों के पीछे छिपा था, पहाड़ियों के पीछे छिपा था, वो और ऊपर आ गया। सबने उसकी अगवानी में अपना पट खोला, सबने उसकी अगवानी में अपना अपना दरवाज़ा खोल दिया। ये कविता को किसने लिखा है? भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है। अब शब्दार्थ और मुहावरे। इसमें घने मीन्स गहरे, उभर कर, उठ कर या बढ़ कर, टेरे मीन्स बुलाए जाने पर, चटकी का मतलब कलियाँ खिली, पट का मतलब दरवाज़ा, अगवानी का मतलब स्वागत। ठीक है, अब क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को दे दूँगी, ऐसे मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, मैं लिख के दे दूँगी आप लोग को व्हाट्सएप पे। सूरज का गोला निकलने से पहले किस किस से बोला, सूरज का गोला निकलने से पहले हमसे तुमसे पत्तियों से चिड़ियों से सभी से बोला। सूरज होने पर चिड़ियों ने क्या किया, सूरज सुबह होने पर चिड़ियों ने, सूरज ने सुबह होने पर चिड़ियों ने चहकना शुरू कर दिया। जंगल में कौन नाच रहा था, जंगल में मोर नाच रहा था। सूरज का गोला क्या बोला, सूरज का गोला कि घने अंधेरे से सब लोग बाहर निकलो, मेरे बुलाने पर भी नहीं जगोगे तो कब जगोगे। आसमान का पट खुलते ही क्या हुआ, आसमान का पट खुलते ही किरणें फैली, किरणों को देख के खुशियाँ और ज़्यादा हो गईं और सूरज सामने आ गया। सूरज की अगवानी में सबने क्या किया, सूरज की अगवानी में सबने अपने अपने दरवाजे खोल दिए, पट खोल दिए। ठीक है, अब सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। सूरज के निकलने पे क्या ज़्यादा फैली, खुशियाँ, हवा, किरणें, रोशनी। तो सूरज के निकलने पे किरणें ज़्यादा फैली। शोर कहाँ मच गया, जंगल में, आसमान में, गाँव गली में, घर में। तो गाँव गली में शोर मच गया। ठीक है, मेरे टेरे से का क्या अर्थ है, मेरे उठाने से, मेरे कहने से, मेरे समझाने से, मेरे बुलाने से। इसमें होगा मेरे बुलाने से। ठीक है, फिर समान तुक वाले शब्द। समान तुक वाले शब्द में इसमें जैसे साउंड आता है उसी तरह का साउंड इन दोनों शब्दों में भी बाद में आना चाहिए। जैसे घोला बोला, चोला जागे का आगे भागे, डाल का बाल जाल, शोर का मोर चोर, रंग का अंग संग, है ना। ठीक है, अब इसका देखो, बाईं ओर लिखे शब्द के समानार्थी शब्द पे गोला लगाओ। समान अर्थ, सूरज का मतलब जो हो रहा है वही इसमें भी समान अर्थ निकलना चाहिए, उसी पे गोला लगाना है। जैसे सूरज का रोशनी नहीं, किरण नहीं, सूर्य होगा। ठीक है, फूल का कमल नहीं, कली नहीं, गुलाब नहीं, पुष्प होगा। जंगल का उपवन नहीं होगा, बगीचा नहीं होगा, वन हो जाएगा। और आसमान का बादल नहीं होगा, गगन नहीं होगा, मेघ नहीं, गगन हो जाएगा। गगन पे गोला लगाओगे, मेघ और घटा नहीं होगा।
ठीक है। नीचे लिखे वाक्य में भाववाचक संज्ञाओं के नीचे रेखा खींचो। इसमें भाववाचक सच का सत्य, गंदा का गंदगी, मीठा का मिठास, ये इसमें भाववाचक है ना। भाववाचक संज्ञा में आता है। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। मैं और आप लोग को बताऊंगी। इस शब्दों में पहले सही विशेषण चुन के लिखो। यहाँ पे सही विशेषण चुनना है इस बॉक्स में से, ठीक है। तो यहाँ है फूल, फूल के लिए होगा हंसते, सूरज का होगा गोल, अंधेरा का होगा घना, आसमान का होगा नीला, कलियां का होगा बंद और रंग का होगा नारंगी, ठीक है। ये यहाँ पे पहले लिखा जाएगा। ओके बच्चों, आप लोग इसको देखना। ओके।